नमस्ते। अभी जो है बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया अपडेट निकल के आई हुई है कि जो भी बिहार के गांव में ग्राम पंचायत बनाए गए हैं उस पंचायत में जो भी वार्ड होते हैं उन सभी वार्ड में जो है एक एक सफाई कर्मी की भर्ती ली जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि आखिर सफाई कर्मी का काम क्या होगा, इन सफाई कर्मियों का बहाली कैसे ली जाएगी, किसके पास पावर होगा इनको नियुक्त करने का। तो आज की इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग जो है सारा जानकारी आपको हम क्लियर करके बताने वाले हैं, क्योंकि ये जो है लगभग अच्छा खासा पोस्ट होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता ही होता है कि इसमें अगर आपका जॉब लगता है तो आप जो है गांव में अपने वार्ड में ही रहकर आपको काम करना होगा और कहीं ना कहीं आप जो है अपने वार्ड के लिए काम करेंगे। तो सारा जानकारी जो इस वीडियो में हम आपको क्लियर करके बताएंगे कि आखिर किस तरह से सिलेक्शन होने वाला है, इसमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, सरकार की तरफ से क्या अपडेट निकल के आया हुआ है, ये सारा जानकारी जो इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप सभी को पता ही है कि जो भी शहरी क्षेत्र में नगर निकाय होता है, नगर निगम होता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि नगर पंचायत होता है, तो आप सभी को पता ही है कि इन सभी जगहों पे क्या होता है कि एक जो है सफाई कर्मी की नियुक्ति की जाती है, जिसके माध्यम से जो भी नगर निगम होता है, नगर पंचायत होता है, या फिर यूँ कह ले कि जो भी आपका नगर निकाय होता है उसमें जो है सर सफाई को ध्यान दिया जाता है, यानी कि सर सफाई किया जाता है। तो ठीक उसी तरह अब जो है गांव के जो ग्राम पंचायत है, जहां पे जो भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत लोग होते हैं उसमें जो भी नली गली का काम हुआ है उसी को जो है सर सफाई करना होगा, या फिर यूँ समझ ले कि जो भी पंचायत के अंतर्गत आपके वार्ड में जो भी काम हो रहे हैं उसको देख रेख करना है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी तरह का कचरा ना फैले, किसी भी तरह का गंदगी ना फैले, उसको जो है आपको देख रेख करना है और मेंटेन करना है। तो इसी पद पर जो है बहाली ली जाएगी। अब यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाहे हैं कि आखिर जो है बहाली कैसे ली जाएगी, इसके लिए क्या करना होगा, कहाँ से हमें फॉर्म भरना होगा, या फिर किस तरह से जो है इसमें बहाली ली जाएगी। तो अभी सबसे पहले आप समझिए कि जो है अपडेट देख सकते हैं कि यहाँ पे दैनिक भास्कर के तरफ से निकल के आया हुआ है, जो कि 28 मार्च 2022 का जो न्यूज आर्टिकल है उसमें पब्लिश करके बताया गया था। और देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में साफ साफ कहा गया है कि जो पंचायती राज के मंत्री है सम्राट चौधरी जी, उनके तरफ से अपडेट निकल के आया हुआ है कि बिहार में जितने भी वार्ड है, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि रिसेंटली यहाँ पे पंचायत चुनाव हुआ था, तो बिहार में आई थिंक लगभग 1,10,000 के लगभग जो यहाँ पे वार्ड हैं, तो उन सभी वार्ड में जो है एक एक सफाई कर्मी की भर्ती ली जाएगी। इससे अंदाज़ा ये लगता है कि हर एक वार्ड में अगर एक सफाई कर्मी काम करेगा तो ऐसे में जो है 1,10,000 जो है सफाई कर्मी की भर्ती यहाँ पर लिए जाने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है सलेक्शन कैसे होगा। देखिए इसमें किसी भी तरह का आपको फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो है फॉर्म वगैरह वगैरह फिल नहीं होगा और ना ही कोई चयन एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होगी। मतलब कि किसी ना किसी, जैसे कि आप सभी को पता ही होता है कि किसी भी तरह की वैकेंसी आती है तो उसको जो है किसी ना किसी चयन एजेंसी को दिया जाता है, उसके माध्यम से यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन इसमें जो है मतलब इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया। इसमें क्या, इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भी आपका वार्ड क्रियान्वयन होता है, प्रबंधन समिति होता है, उसके द्वारा ही यहाँ पे भर्ती की जाएगी। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आखिर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति है क्या। आप सभी को पता ही है कि जिस समय वार्ड सचिव का भर्ती लिए जाने की बात कही जा रही थी उस समय मैंने आपको समझाया था वार्ड सभा कहिए या फिर इसको आप वार्ड क्रियान्वयन और इसको आप प्रबंधन समिति भी कह सकते हैं, जिसमें कुछ लोगों का ग्रुप बनाकर जो इसमें किया जाता है, मतलब कि एक समिति बनाया जाता है, उसी समिति के द्वारा जो है इसका भर्ती की जाएगी। इसका मतलब आप साफ साफ समझिए कि जो भी आपका वार्ड मेंबर हैं उनके अंदर रहेगा वो, मतलब जो भी उनका प्रबंधन समिति है उनके अंदर ही रहेगा वो, जिनको चाहे उनको जो है अपने वार्ड में सफाई कर्मी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो है डीपली इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आया हुआ है कि इसके लिए योग्यता क्या रखा जाएगा, किन लोगों का सलेक्शन किया जाएगा, जो भी पंचायत के जो भी क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति है वो जो है किस तरह से मतलब लोगों का सिलेक्शन करेगी, इसके लिए अभी कोई डीपली जानकारी निकल के नहीं आया हुआ है। केवल यहाँ पे संभावना जताया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी मंत्री साहब है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे संभावना है कि लिया जा सकता है। और हर एक पंचायत में जो भी वार्ड होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि एक पंचायत में लगभग 15 से 14 वार्ड होते हैं, तो उन समय जो है एक एक सफाई कर्मी की भर्ती ली जाएगी, जिसके माध्यम से पंचायत को साफ सुथरा और सही ढंग से चलाया जाएगा। तो इसमें आप साफ साफ समझिए किसी भी तरह का फॉर्म आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक यहाँ पे पेपर के माध्यम से बताया गया है कि जो भी वार्ड का क्रियान्वयन होता है या फिर जो भी उसका प्रबंधन समिति होता है उसके माध्यम से ही यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा और भर्ती ली जाएगी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है, किसी भी तरह का फॉर्म वगैरह वगैरह आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके
अभी जो है डीपली इन्फॉर्मेशन भी निकल के नहीं आया हुआ है, केवल जो है संभावना जताया गया है, तो इसके बेस पे यहाँ पे बताया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे मंत्री साहब ने यह भी कहा है कि जो 15वें वित्त आयोग है उसके अनुदान के राशि के माध्यम से जो है इन लोग का मतलब जो भी सैलरी वगैरह वगैरह दिया जाएगा, सैलरी कितना दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग भी कुछ भी जानकारी यहाँ पे नहीं दिया गया है, केवल कहा गया है कि भर्ती ली जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई डीपली इन्फॉर्मेशन निकल के आता है तो आपको हम बता देंगे कि वार्ड में जो भी सफाई कर्मी की भर्ती लिए जाने की बात कही जा रही है उन कर्मी के पद पे भर्ती होने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए, कौन लोग इसमें जो है भर्ती हो सकते हैं और किस तरह से भर्ती होगा, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी वार्ड के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति होता है उसके माध्यम से यहाँ पे भर्ती ली जाएगी। तो ये सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, वेट कीजिए जैसे ही इसकी रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन डीपली निकल के आती है तो आपको हम जानकारी दे देंगे। फिलहाल इतना समझिए कि ये भर्ती ली जाएगी, संभावना भी जताई गई है और किस तरह से ली जाएगी इसकी रिगार्डिंग मैंने जानकारी आपको दे दिया है। आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग जहां तक हमारा नॉलेज होगा वहां तक आपको बताने की कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।